तो दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं और अभी हम चाय पीने के लिए नीचे जा रहे हैं, और इसी बीच रास्ते में एक सवाल याद आ गया था रंजना से, मैं पूछना चाहूंगा ये पेड़ किसका है? अच्छा ये किसका है बताओ, ये जो ये यहाँ पे खड़ा है इतना बड़ा पेड़ है, ध्यान से बताओ, तुम बता सकती हो इसको? ये बड़ा सा पेड़, ये तो देखो पत्ते, देखो पत्ते देखो उसके, उसका तो नहीं है ये, सीधा है क्या? किसका? बांस का है। तो भैया रंजना ने तो किचन कैप्चर कर लिया है। आमा की फरमाइश पर यहाँ पर चाय के साथ मैगी बनाई जा रही है। आमा बोली थी कि पहले मैगी खिला उसके पीछे से हम चाय पियेंगे। तो आमा फुल मजे, फुल वीआईपी ट्रीटमेंट ले रही है नई बहू आने का तगड़ी। रंजना को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है तो पूछना पड़ेगा। आ रहा है, मजा आ रहा है, वो तो नहीं मच रही, चिड़ तो नहीं मच रही आमा से? एडवेंचरस टाइप का लग रहा है। एडवेंचरस लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कैंपिंग करने आए होंगे ना। मैं तो मैगी बनाने में तो खुशी रहती हूँ। मैगी, ब्रेड, बॉन। बॉन का हाँ जाने जहाँ धार जाने होना चाहिए धार जा दिया जी उधर पांच जरूर आ गये ना ना ताई जी और मम्मी दगड़े जा रहा ना आए हाँ बेले दगड़े जा रहे हैं आले दगड़े अजान बड़ प्रेम है रो प्रेम भल भय पे साथ बहन रे तेरो भी वाल खा जी बोल पप्पा ले सब काम करना ना भैरो काम तो तय करना भितरा काम तय करना तो बल आज बड़ो देख बड़ो रात जब कोई नहीं हो मेरे बन करनी बकारन पड़न ने करन पड़ो करन पड़न पे हैं यो खाली खिदे होने को अभी वाला लगा दूर लगना तक मेरा नहीं थी वो अगर पापा का अगर दूर लगो उनने नहीं सुन लगो नहीं लगो नहीं लगो नहीं मेरे को हलात आता है दूर ने अगर दाल मानो हाँ दिन में लोगों वाली भाई वो सब भाई भी दाल मानो मेरे को क्या दूर लगा पापा रो लगा दूर खबर सुन भाई हैं तू का ज्यादा देखो सराय पी रहा है जने वो कौन है तो कौन है खाली देखो ना टेंशन टेंशन ना मरण को बता पप्पा कहीं कहीं पूछनी ना करण मिले भाई सब जी हमार अन जाई मिला तसा करण मिल तो तब लाने दे नहीं भाई के तब तब लागी पप्पा तो क्या बजा क्या जा से जा क्या जा है दो तीन खोल ले ले उस जाए के दे सब छोटे पड़ जा रहे हां अभी खोल वाला आया था मैंने कहा तू डबल बेड का दे दे मेरे को अच्छा डबल बेड से थोड़ी छोटी है मैंने कहा ये जो जितना बढ़ेगा मैं उसको कटवा के वो कर लूंगा फिर तो कटवाया होगा फिर कटवा के सिलाई मार के लाया अच्छा उसमें से फिर दो तीन खोल निकल गया खोल बना दिया खाली बेकार से तो उसके तकिए के कवर बना लिया है क्या बात है और ये मैं अंदाजे से कटवा के लाया हूँ देखो कितना होता है कुंवारी के हाथ की बनाई मैगी मिल रही है वही बहुत बड़ी बात है इस जमाने में रोटी तो बहुत दूर की बात है रोटी तो सपने में ही सोचो बस हो गया नंबर वाले नहीं हमें सुबह की बजे ठंडे ठहरे हो कह रहे बढ़िया लून खुशानी मिर्च मसाल ठीक रहो ना कह रहे उसमें बढ़िया स्वाद कैसा हो रहा है ठीक है चलो बढ़िया तो मैगी को ए स्टार रेटिंग मिली है दगड़ियों बहुत अच्छी मैगी हो रही है बहुत बड़ी बहुत बढ़िया तो दोस्तों रंजना और मैं अब जा रहे इवनिंग वॉक पर थोड़ा सा इसको मैं घुमा के लाता हूँ पालडन की तरफ आओ अपना क्षेत्र बताओ हाँ तो सबसे पहले तो ये देखो हमारे हिस्से में क्या क्या है ये जो टॉयलेट दिख रहा है आपको ये जो मेरे सबसे बड़े वाले बड़बाजू मतलब अम्मा के सबसे बड़े जेठान उनका है और इस टॉयलेट की बहुत बड़ी भूमिका थी हमारे तो शादी के पुण्य को हगाने में हैं जिनके घर हम गए थे हल्द्वानी में हाँ चाची हो मैगी मैगी वाली हाँ 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 उनके तो उन्होंने बनाया था तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही तो हम इसके हमेशा एहसानमंद रहेंगे और ये है इसको क्या बोलते हैं पता है हाँ अखोशहार बोलते हैं इसको जैसे बारिश का मौसम हो गया तब कुछ काम तो होता नहीं है तो लोग एक सूबे में धान आन भर के इधर आ जाते थे और ये जो पूरा अखोशहार है श्रमदान से बना हुआ है श्रमदान समझते हो ना क्या होता है श्रमदान होता है कि लोगों ने अपनी अपनी मतलब मेहनत करके हाँ मिलजुल के बनाया मतलब इसमें किसी को मजदूरी नहीं दी गई और ये है हमारा एक बरसाती धारा
जो कि सिर्फ चौमास के सीजन पे इसमें स्रोत फूटता है तो इसमें से पानी आता है। तो 3-4 महीने पानी, जब हमारा सप्लाई का पानी टूट जाता है तो हाँ, तो 3-4 महीने पानी की आपूर्ति यहाँ से होती है। ये देखो ममता बहुजी अब आ रही है, देखो पहला पीठ में इतनी बड़ी भारी लगा रखी है दोस्तों, उसके बाद भी चेहरे पर स्माइल देखो और क्यूटनेस देखो दोस्तों, आप कितनी खूबसूरत है। आजकल तो वीडियो नहीं बना रही हो। तो गाइस शाम के 6:30 बज रहे हैं और आरती पूजा करने के बाद अब रात के खाने की तैयारी, क्योंकि पहाड़ों में जल्दी खा लेते हैं और जल्दी सो भी जाते हैं। दोस्तों मैंने आटा गूंथ दिया है और रंजना यहाँ पे आलू छिल रही है, मम्मी यहाँ पे मसाला तैयार कर रही है। आज हम बना रहे हैं आलू के परौठे और अम्मा हमेशा की तरह सुपरविजन करती है। अब अम्मा की आंखों में ज्यादा वो पड़ने लग गया है, प्रेशर पड़ने लग गया है, क्योंकि दो दो सुपरविजन अम्मा को एक साथ करने पड़ रहे हैं, बड़ी बहू और नई बहू के, यह आप देख सकते हैं। और अम्मा बिल्कुल सुपरविजन करती हुई रंजना आलू कैसे छिल रही है सब कुछ देखती हुई, ये आप देख सकते हैं, आलू से ज्यादा चूड़ियों पे नजर है। कस लड़ाला माल है ना, पावन लगा रही है भैया, आदमी आई भैया। तो दोस्तों बहू ने ससुर को भी नहीं छोड़ा ये उनो पहाड़ी पाकली भी पहुंच गया है दोस्तों, और यहाँ पे रंजना अपने ससुर को जुआ खेलना सिखा रही है ये हमारी भाषा में जुआ ही है, जुआरी बना के छोड़ो। चलो पापा पापा फेंको, चलो पीला या इक्का फेंको, मेरे पास पीला भी नहीं है, इक्का भी नहीं है, काला भी नहीं है, तो उठाओ फिर, पीला पत्ता है ही नहीं तुम्हारे पास, एक का भी नहीं है ना, और काला भी नहीं है, ये तो एक है ना, ये इक्का ही तो है। अच्छा ये इक्का बोलते हैं, एक नंबर, एक नंबर मतलब एक नंबर। अच्छा पप्पा वाला इक्का समझ रहे थे, ए वाला, अच्छा अच्छा ठीक। फर्स्ट राउंड हो चुका है, फर्स्ट विनर है रंजना, दूसरे विनर है ससुर जी जो कि बुआरी की मदद से जीते, और लूजर हूँ मैं। दोस्तों ऊपर से अजवाइन भी डाल रखा है मम्मी ने, अभी इसमें मिसाएगी अच्छे से। ये अजवाइन मम्मी इसलिए डालती है ताकि आलू के पराठे पच जाएं और सुबह भूट भटाम भाट भाष ना हो दगड़ियों। तो दोस्तों अब मेरे आलू के परौठे खाने की और आपको गिजाने की बारी है दगड़ियों, सभी भक्त लोग आसन लगा लीजिए और आलू के पराठों का ध्यान करते हुए, हरी चटनी का स्मरण करते हुए, ये छोटा सा आलू के परौठे का घास और पुदीने की हरी चटनी, इतनी चटपटी चटनी, उसके बाद देखना हाँ ये देख रहे हो चटनी के बाद यहाँ आता है स्वाद ब्रह्मांड में। उसके बाद जैसे नींद वाले होते तो मजा आ गया मम्मी यार, गजब स्वाद कलिकाएं खिल गई। दस में से कितने नंबर? 11। एक नंबर कहाँ बढ़ाया? एम्बियंस। ये ओहो मैं क्या देख रहा हूँ ये बाप रे गजब, ये तो चमत्कारी, क्या दृश्य देख रहा हूँ मैं, देखिए भरे देखना है बाप रे, तेल बहुत है। तो यहाँ पे अम्मा को एक और मसाज मैन मिल चुका है, मसाज उमन अम्मा के चरणों की मालिश कर रही है अपने कोमल कोमल हाथों से। मेरे तो नहीं लगाया कभी तुमने तेल ऐसे, तुम लगाओगे हमारा तो भाई मिट्टी का काम है, धूल मिट्टी में डाल रहे हैं, काम है पप्पा रंजना का पूरा सपोर्ट करते हुए। इसका ना कोई काम ना नाम, इसके पैर क्यों फटने वाले थे, मैं तो ये नहीं। अरे मेरा फट्टू मास है ना, मर बे खाली सेवा कर भले नहीं कर भले, खाली ब्राह्मण घर भर मर बे ने।
जीते जी करने जो करो सही बात जीते जी मैं सुना आशीर्वाद ले जो लू सही बात है हाँ मरवे के चल फिर सही बात पर जीते जी करने जे सेवा तहल बुलान सुलान जेले भव देवा खान ये देखिए आप अम्मा ब्रह्म ज्ञान देती हुई जैसे रावण ने मरते समय लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया था ठीक वैसे ही अम्मा रंजना को ज्ञान देती हुई ब्रह्म ज्ञान बच रही थे भाई बालो बात है उम्र में फसल बोई भाई फसल उम्र में काटी जय हो चलो आप मालिश ले गए मालिश के साथ साथ मजाक भी हो गई बच रही धनी का तेल हाँ लगाया था ना मैंने कल सर दो है तो उससे पहले रात को लगाया था लगा कौड़ लागे तो भाई भार में तो मैंने पहाड़ी बाकरी का अद्भुत दृश्य आप लोग देख रहे हैं राजा दशरथ शैया पर लेटे हुए और सीता समान बहु यहाँ पर अपनी अमतु की महिला मंथराई बिल्कुल राजा राम हुए तुम लव कुश हुए दो हाँ ये हुई तब जाके कौशल्या हुई ना ये हाँ अम्मा भी कहते हैं तो दोस्तों मसाज के इस सेशन के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं बहुत जल्द एक नई ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी तब तक अपना ख्याल रखिए स्वस्थ रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग लव यू ऑल बाय बाय